नाउ लेट एज फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी प्राइम जस्ट अबो पॉइंट पी तो पी प्राइम पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एस और पी प्राइम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो so, ये लाइन जहाँ पर हमारे वे फ्रंट को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट हो गया सी विच इज पोल फोर पॉइंट पी प्राइम तो अब सी को पोल मानते हुए हम वेब फ्रंट को अगेन डिवाइड करेंगे जैसे हमने पहले किया था तो डिवाइड करने के बाद अगर सी ए वाला पोर्शन है इसके अंदर एक ही हाफ रेड एलिमेंट आ रहा है तो क्या होगा जो सी से ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला वे फ्रंट का पोर्शन ए वन बाई टू कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और सी से नीचे वाला पोर्शन यानी कि सी ए ये ए वन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और इसके नीचे वाला पोर्शन ए बाई ये कवर्ड है यहाँ से कोई इंटेंसिटी पी पर नहीं पहुँचेगी पी प्राइम पर नहीं पहुँचेगी तो एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए वन बाई टू प्लस ए वन तो थ्री ए वन बाई टू इंटेंसिटी क्या हो जाएगी ए का स्क्वेयर यानी नाइन ए स्क्र बाई फोर तो ए प्राइम पॉइंट पर इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है तो पी प्राइम पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है इसके बाद अगर हम पी प्राइम पॉइंट को थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं स्क्रीन पर और इसकी पोजीशन ऐसे है कि जो ये सी ए वाला पोर्शन है इसमें दो हाफ पीरियड एलिमेंट आ रहे हैं तो सी एक्स वे फ्रंट का जो पोर्शन है ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा ए वन बाय टू एंड ये जो नीचे वाला पोर्शन है सी ए वाला ये इस यहाँ पर दो हाफ रेड एलिमेंट हो गए तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा ए वन माइनस ए टू तो कंप्लीट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए वन बाई टू प्लस ए वन माइनस ए टू इंटेंसिटी ए का स्क्वायर देन दिस इज इक्वल टू ए वन बाई टू प्लस ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर तो अब एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ यानी इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई है तो पी प्राइम पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा तो यहाँ पर मिनिमा आया अब इसके बाद एक केस और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पी प्राइम पॉइंट ऐसा है सी ए वाले पोर्शन के अंदर थ्री हाफ पीरियड एलिमेंट आ रहे हैं तो क्या होगा सी से ऊपर वाला पोर्शन तो ए वन बाई टू कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और नीचे वाला पोर्शन ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो कंप्लीट एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए वन बाय टू प्लस ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री तो एम्पलीट्यूड अगेन इंक्रीज हो गया तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर एक मैक्सिमम मिलेगा तो हम देख पा रहे हैं कि जब जब सी ए वाला जो पोर्सन है इसके अंदर ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट आ रहे हैं तो हमें मैक्सिमम मिल रहा है और जब इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट आ रहे हैं तो हमें मिनिमा मिल रहा है और जैसे जैसे हम पी प्राइम पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो जो इंटेंसिटी का डिफरेंस है मैक्सिमा और मिनिमा का ये भी रिड्यूस होता जा रहा है अब अगर हम हमारा जो पी प्राइम पॉइंट है वो पी पॉइंट से बहुत ज़्यादा ऊपर है ये पी प्राइम पॉइंट से ये पी डबल प्राइम पॉइंट हमने मान लिया ये पी से बहुत ज़्यादा ऊपर है तो उस केस में क्या होगा हमारा जो पोल है सी सी से ऊपर वाला जो वेव फ्रंट है वो ए बाई टू कंट्रीब्यूट करेगा और जो सी ए वाला पोर्शन है यहाँ पर भी बहुत सारे हाफ पीरियड एलिमेंट्स बनेंगे जो हमें अप्रोक्सीमेटली ए वन बाय टू ये कंट्रीब्यूट करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ए पी डबल प्राइम पॉइंट पर ए वन बाई टू प्लस ए वन बाई टू विच इज इक्वल टू ए वन तो इंटेंसिटी आ जाएगी एवन स्क्वेयर तो यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि जब पॉइंट पीडियो पॉइंट ज़्यादा बहुत ऊपर है तो इंटेंसिटी है वो ए वन हो जाएगी और यही इंटेंसिटी और ऊपर और ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं यही इंटेंसिटी रहेगी तो यहाँ से जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो क्या है इफ इन द पोर्शन सी ऑफ द वेव फ्रंट द नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट इज ऑड देन वी गेट मैक्सिमा and if uh, the number of half period element is even then we get minima on the screen also intensity difference between the maxima and minima goes on decreasing as we move upward from point p